पाकिस्तान के डेरा गाजी खान इलाके में एक बहुत बड़े धमाके की सूचना है। ये धमाका उस इलाके में हुआ है जहां बताया जा रहा है कि वहां एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट काम करता है। हालांकि स्वतंत्र रूप से भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि ये धमाका बहुत बड़ा था और ये धमाका इतना बड़ा था कि करीब 50 किलोमीटर तक इसके आवाज को सुना जा सका। ये खबर तब सामने आई है जब हाल ही में 2 सुसाइड अटैक पाकिस्तान में हुए, जो कि बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए, और इस घटना में करीब 65 लोगों की मौत की खबर थी। डेरा गाजी खान इलाका काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ जो न्यूक्लियर प्लांट है वो बिल्कुल अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के आसपास है। ऐसे में आए दिन इस तरह के घटना होने की आशंका यहाँ बनी रहती है। साल 2012 की बात करें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी भी दी थी कि वो इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना चाहता है और वो इसे एक दिन बर्बाद करेगा। इसलिए ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ लगातार पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखा जाता है। पाकिस्तान लगातार इस जगह पर यूरेनियम का एक अच्छा खासा भंडार रखता है। डेरा गाजी खान में न्यूक्लियर सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है। हालांकि इस धमाके को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक सूचना अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन महज कुछ ही दिनों के अंतराल में इस तरह के धमाके का होना पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में 2 सुसाइड ब्लास्ट हुए उससे पाकिस्तान को बुरी तरह चोट पहुंची। बालूचिस्तान में जो हाल में धमाका हुआ वो एक मस्जिद के ठीक बाहर हुआ, जहां बॉम्बर ने खुद को बम से उड़ा लिया। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी मस्जिद में इस तरह से एक सुसाइड अटैक हुआ जिसमें लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां इस वक्त चरम पर हैं और इससे कैसे निपटना है ये पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।